नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के अगले पार्ट में। दोस्तों, कल जो क्वेश्चन था आपका कि आज़ादी के बाद भारतीय पुलिस प्रणाली कब लागू हुई, दोस्तों इसका सही आंसर है 1948 में। और इसका सबसे पहले जो आंसर दिया था उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, कपिल कुमार जी। ठीक है, तो इनका जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था 1948, और दोस्तों कुछ लोगों ने इसका आंसर 1951 दिया था जो कि गलत है। ठीक है, चलिए आज चलते हैं जो भी आपके अगले क्वेश्चन है, और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन फिर से होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो स्टूडेंट पहले इसका आंसर बताएगा, ठीक है, मैं मानूंगा उनका नाम यहाँ पर लिया जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक पुलिसकर्मी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नागरिकों का सम्मान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को किसकी सहायता चाहिए, किससे सहयोग मांगना चाहिए? संबंधित उनके जो भी डिपार्टमेंट हैं, सांसद, विधायक या आम जनता। काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, आम जनता। अगला देखिए, धारा 377 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध करने पर कितने वर्ष का दंड का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए आपका है आजीवन कारावास उम्र कैद, या फिर 10 वर्ष तक, या ए और बी दोनों। तो सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था। कानून व्यवस्था और किसके बीच निकट संबंध है? ऑप्शन नंबर सी पुलिस और भारत में न्यायपालिका प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, पुलिस द्वारा बल प्रयोग कब किया जाता है? आदेश की अवज्ञा होने पर, ऊपर से कोई आदेश आता है, अति आवश्यक होने पर, या ए और बी दोनों। तो जाहिर सी बात है, ए और बी दोनों। ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? काफी इजी क्वेश्चन है, किरण द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर दोस्तों क्या है? लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या है, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिदेशक जैसे डीजीपी। ठीक है, इसमें वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश सिंह। ये मैंने नाम यहाँ पर दिया, ये आप याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों करंट का विशेष ध्यान रखिए, हो सकते हैं ये बीच में चेंज या इस्तीफा, बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं, तो करंट आप अपडेट रहिए। ठीक है, हालांकि इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होने वाले। आगे देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14। भारत में साइबर कानूनी की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2000 में। ठीक है, 1999, 98, 2001 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही आंसर क्या है? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, UP 100 पुलिस क्या है? दोस्तों इस पे बी ऑप्शन गलती से यहां पर टिक हो गया था। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जो कि हेलमेट पुलिस वैन, जिसमें कि दोस्तों वो लोग बाइक लेके या जो अपना फोर व्हीलर लेके पूरे शहर, गांव या वहाँ पर ये लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ये जनरली सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश का पहला ई पुलिस थाना कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया है, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, आप देख सकते दोस्तों 1946, 1978, 2016 जो कि मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी तीनों वर्ष। दोस्तों अभी तक इंडिया में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप देख सकते हैं मार्क जुकरबर्ग। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आप लोग इसको देखते रहते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल और याहू क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन, काफ़ी आप इसका इस्तेमाल करते भी होंगे। अब दोस्तों जो आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या है, प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया गया, कब किया गया? 1947, 1950, 1962, 1975 में। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, और कल इसका जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम यहाँ पर मैं अनाउंस करूँगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।